हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के आंकड़ों को छुपाकर गुमराह कर रहे गहलोत सरकार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया आरोप, कहा संक्रमण रोकने में विफल साबित। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने आरोप लगाया कि प्रदेश की गहलोत सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने और पीड़ितों को इलाज में सुविधाएं बढ़ाने की जगह आंकड़ों को छुपाकर जनता को गुमराह कर रही है। कोरोना संक्रमित और उससे खत्म हुए मरीजों की मौतों के आंकड़ों को छुपाना नहीं चाहिए। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में फैले कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार इलाज के प्रति गंभीर होने की बजाय आंकड़ों के मायाजाल में उलझी हुई नजर आ रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने और पीड़ितों को इलाज देने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था पे कहा, ये दुष्कर्म के मामलों में तो बढ़ोतरी हुई ही है, लेकिन अन्य अपराधों में भी सरकार कोई रोकथाम करने में सफल नहीं रही, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। प्रदेश आज अपराधों के मामले में दूसरे स्थान पर है और महिला अपराध 10% तक बढ़े हैं। रेप और गैंग रेप इसका उदाहरण है। करौली के सोपटरा गांव में राधा गोपाल मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा आग में जला दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिखर चुकी है और भ्रष्ट हो गई है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जोधपुर प्रवास के दौरान भाजपा पर कई गुटों में बंटने के आरोप पर कहा कि कांग्रेस के नेता पहले खुद का घर संभालें। 3 माह से चल रहे घटनाक्रम में अभी तक सिर्फ हाथ मिले हैं, दिल नहीं। इसके चलते कांग्रेस विभाजन की ओर है। कांग्रेस जहां पहले इस विघटन के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही थी, वहीं उनके एक साथ आ जाने के बाद भी ना तो दोनों नेता एक मंच पर आ रहे हैं और ना ही वे मंत्रिमंडल का विस्तार, राजनैतिक नियुक्तियां कर पा रहे हैं। पुनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बहादुर शाह जफर साबित होंगे। प्रदेश में कांग्रेस बहुत बड़े विभाजन और विग्रह से गुजर रही है, इसमें संगठन की शक्ति खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि वे ज्योतिषी तो नहीं है, लेकिन भविष्यवेत्ता जरूर है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।